हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही लजीज, बहुत ही यम्मी बटर चिकन टिक्का की रेसिपी। आपने सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट ले लेना 600 ग्राम, उसको ऐसे कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो है उसको हम मैरिनेशन के लिए डालेंगे सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद डालेंगे ब्लैक पेपर, फिर पेपरिका डाल देंगे। पेपरिका डालने के बाद जो है वो गार्लिक पाउडर या आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, एंड पार्सले डाल देंगे। और ये ऑलिव ऑयल है, आप दूसरा सिंपल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। मेल्टेड बटर डालेंगे 30 ग्राम और लेमन जूस 2 टेबल स्पून, ठीक है। और इसको मैरिनेट कर देंगे फॉर 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए, और इसको आप रख दें साइड पे, ठीक है। और ये देखिए बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मेरे लेमन भी निकल आए हैं। तो आफ्टर मैरिनेशन हम क्या करेंगे, स्क्वेयर्स पे इसको जो है वो ऐसे ये जो चिकन के पीसीज हैं इनको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और इसको आप वैसे तो पैन में भी फ्राई कर हल्का सा ऑयल डालें, इसको ग्रीस करें और उसमें रख सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैं इनको बेक करूँगी, बेकिंग ट्रे में रख देंगे और 25 मिनट के लिए 200 डिग्री पे इसको बेक कर लेंगे। वन साइड से ये बेक होके आ चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से साइड चेंज करेंगे और 10 मिनट्स के लिए आपने दोबारा 200 डिग्री पर रख देना है। और ऊपर से आपने जो है वो पार्सले डाले एक बाउल में, ठीक है, और मेल्टेड बटर, और ये जो है वो गार्लिक है मेरे पास, इसके चॉप पीसेस, या हल्का सा आपने इसको ना मैश कर लेना, और वो आपने इन जो गरम गरम बटर चिकन टिक्का है इसके ऊपर लगा के और आपने सर्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।